प्रधानमंत्री जी से हम एक सांकेतिक चीज मांगेंगे और वो क्या कि प्रधानमंत्री जी आप कहते हो देश के विकास के लिए जमीन की जरूरत है, जमीन किसान की लेनी पड़ेगी, जमीन आप कहते हो है नहीं हमारे पास। ऐसा करो प्रधानमंत्री जी, अपनी आंखें खोलो और सड़क के पार देखो। प्रधानमंत्री जी का जहां घर है 7 रेस कोर्स रोड, सड़क के पार क्या है? रेस कोर्स। रेस कोर्स मतलब घुड़दौड़ का मैदान। यह किसान की जमीन है, मालचा गांव के किसान की जमीन थी, जबरदस्ती उससे छीनी गई। इतिहास बताता है कि किसान को मुआवजा भी नहीं दिया, भगा दिया, यूं ही गोली वोली चला के भगा दिया किसानों को वहां से। जमीन किस काम के लिए ली थी? लोक हित के लिए, दिल्ली में सरकार बनाने, दिल्ली में राजधानी बनाने के लिए। और किया क्या? एक प्राइवेट क्लब को दे दी और वो क्लब अब क्या हो गया है? कंपनी बन गया है। और वो कंपनी क्या करती है? हर साल करोड़ों का मुनाफा कमाती है। और मुनाफा किस चीज से कमाती है? जुएबाजी से, सट्टेबाजी से। घुड़दौड़ जो है घोड़ों की रेस का मेलबो नहीं है, ये कोई खेल कूद नहीं होता, वहां खेल कूद प्रतियोगिता नहीं हो रही, जुएबाजी और सट्टेबाजी होती है। यानी कि प्रधानमंत्री की नाक के नीचे सरकारी जमीन पे किसान से छीन के वहां जुएबाजी और सट्टेबाजी का अड्डा चल रहा है। तो हम कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी, बाकी जमीन बाद में ले लेना, सबसे पहले अपने नाक के नीचे जो जमीन पड़ी है उसको ले लो, वापस ले लो, कुछ करने की जरूरत नहीं। उसकी तो लीज भी खत्म हो गई है, 1998 में लीज भी खत्म हो गई उसकी, वो वापस ले लो और उसकी जगह किसानों का एक स्मारक बनाओ, एक स्मृति हो दिल्ली के अंदर, जैसे जवान की है ना, अमर जवान ज्योति इंडिया गेट पे है, एक कोई स्मृति दिल्ली के अंदर किसान के लिए भी हो, उन हजारों किसानों के लिए जो आजादी के आंदोलन में शहीद हुए, उन सैकड़ों किसानों के लिए जो बाद में किसान आंदोलनों में शहीद हुए, उन किसानों के लिए जिन्होंने अपनी जमीन दी देश के विकास के लिए, और उन 3 लाख किसानों के लिए जो पिछले 15 साल में आत्महत्या को मजबूर हुए। तो हम कहते हैं प्रधानमंत्री जी, आप इनका एक स्मारक बना दो। घर से बाहर निकलोगे तो आपको दिखेगा, हाँ भाई इस देश में किसान भी है, किसान आत्महत्या भी कर रहा है। हो सकता है प्रधानमंत्री के दिमाग में कोई चीज आ जाए, इस चीज के लिए हम वहां पहुंचेंगे सब। जागा रे, जागा रे, जागा, जागा रे, जागा।